नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट करके एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या जो ये बीएड का एग्जामिनेशन है एक साल का होने वाला है, और अगर एक साल का होने वाला है तो वो कब से होने वाला है। अब आप सभी को पता है कि यार जो बीएड का एग्जामिनेशन है अभी 2 साल का चल रहा है। आज के कुछ समय पहले एक साल का होता था, 2014 के बाद से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर बीएड का एग्जामिनेशन जो एक साल का होने वाला है, और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर के भी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग तरीके की वीडियो बना दी हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मेरे अभी जितने भी छात्र हैं जो बेसिकली यहाँ पर मेरे चैनल से पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं बीएड की, पिछले 6 महीने से बहुत सारी जो आप लोग प्रिपरेशन कर रखे हो वो लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका जो है बीएड जो है 2 साल का होने वाला है। और भैया उन सबका 2 साल का ही होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटे में आपको एक चीज जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए अच्छे से कि जो 1 साल का बीएड है अगर होगा भी तो अभी ये जो 1 साल बाद या 2 साल बाद, आप ये मान के चलो 2 साल के पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2 साल 3 साल के पहले कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और ये जो 1 साल वाला बीएड जो लोग परेशान हो रहे हैं वो ये मान के चलिए अभी कम से कम 2 साल बाद इंप्लीमेंट होगा। वो भी किसके लिए होगा, वो होगा किसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। जैसे कि आपने अगर बीए कर रखा है तो एमए कर रखा होगा, बीए के साथ साथ बीएससी के साथ साथ एमएससी कर रखा होगा, एमएससी के साथ साथ अगर आपने और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे मतलब आपने बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा 1 साल का जो इंटीग्रेटेड बेसिकली आपका जो बीएड होता है वो आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉलिसी आने वाली है कि अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो 12th के बाद 4 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है वो भी हो सकता है, उसकी भी जो चीज़ें हैं वो इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस साल आपका सभी का 2 साल वाला ही है जो भी इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, जो 9 तारीख को एग्जाम देंगे या जो भी अदर स्टेट के हैं जिनका एग्जामिनेशन लगा हुआ है आने वाले इस महीने में, या मान लीजिए 15-16 दिन बाद आपका एग्जाम होता है, तो आप सभी का 2 साल का होगा। और 2 साल का ही आप सभी को पूरे 2 साल पढ़ाई करनी है, 1 साल 2 साल। कुछ लोग फीस के बारे में पूछ रहे हैं सर बीएड की फीस कितनी होती है, तो बीएड की फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। भैया बीएड का जो फर्स्ट ईयर का फीस है अभी मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो फीस है वो 2,500 रुपये के आसपास है, 3,000 या मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फीस है, लेकिन हम प्राइवेट के लिए लोग ज़्यादा पूछ रहे थे, गवर्नमेंट का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता है, बट प्राइवेट के लिए लोगों ने पूछा था तो प्राइवेट में मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट में जो फीस लग रही है वो बेसिकली आपकी फीस लग रही है पहले साल 52,000 के आसपास लग जाएगी, फिर साल भर में जो स्कूल वाले मतलब कम से कम 6,000-7,000 रुपये स्कूल में इधर उधर का लग ही जाता है, तो पहले साल आप ये मान के चलो 52,000 गवर्नमेंट जो है ले रही है, सेकेंड ईयर में 30,000-35,000 रुपये के आसपास लग रही है, ये पहले साल और दूसरे साल की फीस है गवर्नमेंट के लिए। तो ये हो गया भाई बीएड का फीस। अभी आपको धीरे धीरे मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जहां पर बताऊंगा कि काउंसलिंग में क्या क्या लगता है, काउंसलिंग में क्या क्या नहीं लगता है, इन सब चीज़ के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो शेयर किया जा रही है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।